तमीम पिंजारी ने सिर्फ हाँ लिखा है, हाँ नहीं लिखना है, आपका नाम और आपका डिविजन ये लिख करके भेजना है। तो मैथ्स पहला चैप्टर का नाम है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं बेटा? सिंपल सी परिभाषा है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर स्थापित किया जा सकता है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, और ये वास्तविक संख्या ही परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्या किस कौन कौन से तरह की हो सकती है? वास्तविक संख्या ये प्राकृतिक संख्या का जो समूह है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब भी वास्तविक संख्या ही है, यानी कि परिमेय संख्या है। ये जो पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, ये सब भी वास्तविक संख्या है, जिन्हें परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। फिर इसमें ये ऋणात्मक माइनस वाले नंबर भी लिख दें, अगर 0, 1, 2, 3, 4 फिर माइनस के सब नंबर मिला के ये सब पूर्णांक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या भी है। अब देखो इन तीनों प्रकार की संख्याओं में जो बटे और दशमलव वाली संख्या मिसिंग है, तो बटे और दशमलव की संख्या भी अगर इसमें मिक्स कर दें तो ये परिमेय संख्या भी आ जाएंगी। परिमेय संख्या कहते किसको हैं? जिन संख्याओं को भी बटे के रूप में लिखा जा सके वो सब परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर m बटे n इस रूप वाली जो संख्या है, हाँ कौन बोलो, क्या बोले बेटा, आवाज क्लियर नहीं आई आपकी? कर सकती है ज्वाइंट? हाँ ज्वाइन करो, मैं एडमिट करता हूँ। तो जो संख्या m बटे n के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो m और n है ये पूर्णांक संख्या होने चाहिए, इस तरह की संख्या, यानी कि माइनस में भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, 1, 2, 3 भी चलेगा, लेकिन ये जो नीचे वाली संख्या यानी n, ये शून्येतर होना चाहिए, शून्य के अलावा नंबर होना चाहिए, शून्य नहीं हो सकता है। जैसे कि देखो -25/3, ये m बटे n के जैसे ही है, जहाँ पर -25 ये भी पूर्णांक संख्या है और 3 ये भी पूर्णांक संख्या है, और जो नीचे वाला नंबर है वो जीरो नहीं है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है, स्थापित कैसे किया जाता है। तो बहुत आसान तरीका है बेटा, सबसे पहले क्या करना, देखो ये तीन संख्या यहाँ दी गई है, 7/3, 2, -2/3, इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं ये यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले करना क्या है, एक रेखा खींच देनी है, एक लंबी सी रेखा खींच देनी है, उसके बाद में बीचों बीच में एक बिंदु लेना है और उस बिंदु को जीरो दर्शाना है, उस बिंदु का जो निर्देशांक है जीरो दर्शाना है, बीच वाला बिंदु क्या होता है, जीरो होता है। अब पहली संख्या क्या चाहिए, 7/3 चाहिए, 7/3, तो 7/3 देखो प्लस में है, प्लस में, कैसे पता चला प्लस में है, देखो 7/3 के पीछे कोई निशान नहीं है, जैसे यहाँ 2/3 के पीछे माइनस है, लेकिन 7/3 के पीछे माइनस नहीं लगा है, माइनस नहीं लगा है इसका मतलब ये धन प्लस वाली संख्या है। प्लस वाली संख्या हमेशा जीरो के बाद में आती है, जीरो से बड़ी होती है इसलिए जीरो के बाद आती है, तो 7/3 भी जीरो के बाद आएगी। अब वो कहाँ पे होगी, देखो हमको चाहिए 7/3, तो जीरो के बाद जो पहला बिंदु है वो 1/3 है, बटे तीन क्यों बोल रहा हूँ कि नीचे तीन है, यहाँ भी 3/3 है इसलिए मैं 3/3 कह रहा हूँ। ये जीरो पहला बिंदु 1/3, ये 2/3, ये 3/3, ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3, और ये रहा 7/3, ये आ गया 7/3, तो ये बिंदु आ गया 7/3।
तो इस तरह से 7/3 स्थापित कर देना है। कैसे पता चला? देखो, जीरो के बाद सातवां बिंदु लेना है। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सातवां बिंदु है बटे तीन। अब यहाँ पे क्या लेना है? दो लेना है। फिर से दो क्या है? दो संख्या प्लस प्लस में है। कैसे पता चला? क्योंकि माइनस नहीं लगा है, दो के पीछे ऋण का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये संख्या प्लस है, इसलिए दो ये जीरो के बाद ही आएगी। तो दो कैसे लेंगे? देखो, जीरो के बाद में 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, फिर 6/3, 6/3 यानी 6/3। तो 6 में 3 से भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा? बोलिए आप लोग, 6/3 कितना होता है? 6/3 छह में तीन से भाग मैं कह रहा हूँ बेटा, गुणा नहीं कह रहा हूँ। 6 में 3 से भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा? हाँ, 6 में 3 से भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा? 3। हाँ, 3 × 2 = 6 हो ना, तो इसलिए 2, 3, इसलिए 6/3 को 2 लिखा है यहाँ पर। आपको समझा 2 कैसे आया? फिर से देखो, बीच में हम लोग बीच वाला बिंदु, उसको क्या क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। उसके बाद क्या होएगा? 1/3, फिर क्या होएगा? 2/3, फिर क्या होएगा? 3/3। अब 3/3 कितना होता है? 3/3 3/3 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 3 × 1 = 3, इसीलिए इसको यहाँ 1 लिखा गया है। तो ये 3/3 है, इसके बाद 4/3 है, फिर 5/3 है, फिर 6/3 है। अभी 6/3 का आंसर 2 आता है, इसलिए इसको 2 लिखा है। तो 6/3, इसके बाद में 7/3, तो 7/3 और ये 2, ये दोनों नंबर यहाँ पर निरूपित हो गए। इसके बाद क्या है? देखो, -2/3 है। अब माइनस, ये संख्या माइनस में है, माइनस में है, इसलिए ये जीरो के पहले होगी, जीरो के पहले होगी। हाँ, तो देखो कैसे लेंगे। देखो, जीरो का के पहले क्या होगा? -1/3 पहला बिंदु है ना, तो इसलिए -1/3, -1/3। फिर दूसरा बिंदु -2/3, तो इसलिए दूसरा, देखो ये -2/3 जीरो के बाद में, जीरो के पहले दूसरा बिंदु है। आपको समझ में आ रहा है कि किसी को कोई डाउट है? शाबाश। जिनको नहीं आ रहा है वो लोग पूछना मुझसे बेटा, मैं वापस से समझाऊंगा। हाँ, एकदम आसान है ना। 8H2 वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब देखो 1.1 मैं आपको बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझेगा। 1.1 बताता हूँ मैं आपको। में देखो, तीन बिंदु, पहला सवाल देखो क्या दिया है। पहला सवाल है 3/2 और 5/2 और क्या है? -3/2। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो, मैं इसको अपने नोटबुक में करके दिखाता हूं। मैं अपना कैमरा ऑन करता हूं, उसके बाद में मेरी नोटबुक।
अब देखो मेरी नोटबुक दिखाई दे रही होगी आपको, इसमें तीन बिंदु हमें स्थापित करने हैं, 3/2, 5/2 और -3/2, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको स्केल की सहायता से एक लंबी सी रेखा खींचना है, स्केल की सहायता से एक लंबी सी रेखा खींचनी है। क्या? हाँ, उसके नीचे खींचो, दूसरे पेज पे खींचो, कहीं भी कर सकते हैं, या ऐसे भी खींच सकते हो जगह कम है तो। तो देखो ऐसे मैं रेखा खींच रहा हूँ, रेखा खींच के आपको दिखाता हूँ, रुकिए जरा। ये देखो मैंने क्या किया, एक रेखा खींच दिया, फिर मैंने क्या बताया था, रेखा के बीचों बीच में एक बिंदु लेना है, उसको क्या नाम देना है, इसको जीरो बोलना है, बीच में एक बिंदु लेना है उसको जीरो कहना है, ठीक है। अब पहला बिंदु क्या चाहिए हमको, 3/2 चाहिए, 3/2 चाहिए पहले। अब 3/2 ये धन प्लस में है, प्लस में है इसलिए जीरो के बाद ही आएगा, है ना। तो कैसे आएगा देखो, पहला बिंदु, अच्छा ये सारे बिंदु समान दूरी पर होने चाहिए इसलिए मैं यहां स्केल रख दे रहा हूं, स्केल रख दे रहा हूं, सब बराबर बराबर दूरी पे होने चाहिए। ये पहला बिंदु मैं यहां ले रहा हूं, और थोड़ा सा हिल गया है ये, हाँ पहला बिंदु। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला बिंदु क्या बोलोगे, देखो 3/2 है यहाँ, 3/2 है, तो पहला बिंदु क्या बोलोगे आप, पहले समझो बेटा, यहाँ पे बटे में 2 है, ये पहला बिंदु है तो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, हाँ पहला बिंदु 1/2 हो जाएगा, दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, नहीं बेटे आपको बटे में 2 ही रहना चाहिए, यहां नीचे 2 है ना, बटे में 2 ही आएगा हमेशा, याद रखो पहला बिंदु 1/2, नहीं बेटा बटे में 3 नहीं आएगा, बटे में 2 ही आएगा हमेशा, क्योंकि नीचे 2 है। तो पहला बिंदु आ गया 1/2, दूसरा बिंदु आ जाएगा 2/2, तीसरा बिंदु 3/2, चौथा बिंदु 4/2, पांचवा बिंदु 5/2, छठवा बिंदु, हाँ सातवा बिंदु 7/2, ऐसा लेना है। तो देखो ये पहला बिंदु 1/2, दूसरा बिंदु 2/2, तीसरा बिंदु 3/2, और हमको 3/2 ही चाहिए था, 3/2 ही चाहिए था ना। तो देखो हमको यहां से जीरो के बाद ये जो तीसरा बिंदु है ये 3/2 है, तो इसमें तीसरे बिंदु का ऐसा निशान लगा दो और यहां लिख दो 3/2। बात समझे कि नहीं, आप टॉप क्या चाहिए, 5/2, अब हमको चाहिए 5/2, तो 5/2 कैसे लेंगे, तीन बिंदु ले चुके हैं, तीन के बाद में जो चौथा बिंदु है वो क्या रहेगा, चौथा बिंदु क्या रहेगा, नहीं बेटा पहला बिंदु 1/2, दूसरा बिंदु 2/2, तीसरा बिंदु 3/2, चौथा बिंदु क्या आएगा, बटे तीन,
बटे तीन क्यों कह रहे हो बेटा? मैं कह रहा हूं कि आपको बटे में दो ही बोलना है बार बार। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला बिंदु 1/2, फिर 2/2, फिर 3/2, अभी क्या आएगा? 4/2 आएगा, 4/2। पांचवा बिंदु क्या आएगा? पांचवा बिंदु होगा 5/2, और हमको 5/2 ही चाहिए। तो ये पांचवा बिंदु होगा आपका, तो स्केल हटा रहा हूँ, ये पांचवा बिंदु है। देखो जीरो के बाद ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये है आपका 5/2। तो 5/2 भी हो गया। अब क्या चाहिए? -3/2। हाँ, जीरो के पहले होगा ये। जीरो के पहले कौन सा बिंदु होगा? जीरो के पहले कौन सा बिंदु होगा? देखो ऊपर तीन है ना, इसका मतलब जीरो के पहले तीसरा बिंदु होगा। तीन है ना ऊपर,